सीधी में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। पुलिसकर्मी ने ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि ट्रक बैक करते वक्त पुलिस की गाड़ी से वो जा टकराया, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने ड्राइवर को ट्रक से पहले नीचे उतारा और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। सीधी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं, जहाँ पर एक पुलिसकर्मी ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर दी। ये ट्रक ड्राइवर दरअसल इस ट्रक को बैक कर रहा था और उसी दौरान पुलिस की गाड़ी से वो ट्रक जो है वो भिड़ गया। इसके बाद इस पुलिसकर्मी ने ट्रक ड्राइवर को ट्रक से बाकायदा नीचे उतारा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रक ड्राइवर है वो हाथ जोड़ता रहा, माफी मांगता रहा और पैर तक पड़ता रहा इस पुलिसकर्मी के। लेकिन गुस्सा यहां पर शांत नहीं हुआ इस पुलिसकर्मी का, क्योंकि गाड़ी में लग गई थी और इसी वजह से इस ड्राइवर को पीटता हुआ ये नजर आया। और ट्रक में ट्रक ड्राइवर का शायद साथी भी मौजूद था, उसने नीचे उतरने की जहमत यहां पर नहीं उठाई, क्योंकि शायद यही लगा होगा कि यही हाल उनके साथ भी ना हो जाए, इसलिए बचाने तक का प्रयास भी यहां पर नहीं किया गया है। और जो लोग यहां पर वीडियो बना रहे हैं, आवाज उनकी थोड़ी बहुत अगर सुनाई दे रही है तो वो यही कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी इस तरह से इस ट्रक ड्राइवर को ये पुलिसकर्मी पीटता हुआ नजर आया। या तो हादसा ऐसा रहता कि किसी को चोट आई होती, उसके बावजूद भी इस तरह का पुलिसकर्मी का रवैया कितना जायज समझ में आता है, उस बात को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधी से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक ट्रक आपको नजर आ रहा है, उसका ड्राइवर है और एक पुलिसकर्मी है यहाँ पर, जो एक के बाद एक थप्पड़ जड़ता चला जाता है इस ड्राइवर को। और कारण हम आपको बता रहे हैं, ये ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को पीछे कर रहा था, बैक कर रहा था और इसी दौरान पुलिस की गाड़ी से उसका ट्रक टकरा गया। वहां जो लोग मौजूद रहे होंगे उन्होंने ये वीडियो बना लिया कि किस तरह पुलिसकर्मी उसके पास पहुंचा। बातचीत करना तो दूर की बात कि आप उससे बात ही कर लेते कि भाई कैसे चलाया जा रहा है, ड्राइविंग कैसे की जा रही है, बात तो की ही नहीं गई। बस नीचे उतारते ही एक के बाद एक थप्पड़ जड़ना इस पुलिसकर्मी ने ट्रक ड्राइवर को शुरू कर दिया। वो हाथ जोड़ता रहा, पैर पड़ता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन पुलिसकर्मी ने उसकी एक नहीं सुनी। वीडियो बनाता हुआ शख्स जो है पीछे से उसकी आवाज, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे, ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पर गाड़ी को नुकसान पहुंचा था कि इतना ज्यादा गुस्से में ये पुलिसकर्मी आ गया और थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ता चला गया इस ड्राइवर को। वहां मौजूद लोगों का यही कहना है कि इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं हुई थी कि इस तरह मारता रहा ये पुलिसकर्मी इस ट्रक ड्राइवर को। इसी तरह की तस्वीरें अगर सामने आएंगी पुलिसकर्मियों की, तो आप अंदाजा लगाइए, वो लोग जो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो पुलिस से, वो कैसे होगा। आमतौर पर तो देखते हैं तो डर ही लगता है कि न जाने क्या कह दें और क्या कर दें, ये उसी की बांधगी है। देखें जरा प्रदेश की सरकार। और हमारे सहयोगी ललित हैं फोन लाइन पर। ललित, ऐसा क्या हो गया था कि एक के बाद एक थप्पड़ जड़ता चला गया, कितनी ज्यादा यहाँ पर डैमेज हो गई है इन साहब की गाड़ी? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है बहरी थाने का है, जहां एक ट्रक चालक के द्वारा खाली बैक करते समय, क्योंकि बाजार में ट्रैफिक था और वो बैक करते समय थोड़ा सा साहब की गाड़ी में छूट गया, तो उस व्यक्ति अंजनी प्रसाद द्विवेदी जो आरक्षक है बहरी थाने में, वो लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया, जिसका वहां पे स्थानीय लोगों द्वारा विरोध भी किया गया, तो उन पर भी अपनी बर्ती का रौब दिखाने लगे। जी, तो पुलिस कर्मी जो है, इससे बातचीत हुई है क्या कनिष्क आपकी? क्या कह रहे थे? इतनी कौन सी इनको उलझन हो रही थी? ऐसा क्या हो गया था कि उस ड्राइवर की बात तक सुनना इनको गवारा नहीं था? जी, आपको बता दूं कि वो खाली कहीं ना कहीं वो ड्राइवर जो है प्लीज हो रहा था, उनके पैर भी पकड़ रहा था कि सर गलती हो गई है, किंतु उनको पता नहीं अपने वर्दी और गुंडागर्दी का इतना बड़ा रौब हो गया कि वो लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ते गए। हमारी जो बात हुई है थाना प्रभारी से, तो उनका कहना था कि ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनाया गया है ड्राइवर के ऊपर, जबकि ये पूरा मामला वहाँ के जो स्थानीय लोगों का बताना है, तो वो ड्राइवर की कोई भी गलती नहीं थी, खाली अपने वर्दी के रौब के चक्कर में पुलिस की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। जी, तो वर्दी वाले गुंडे अब होते जा रहे हैं क्या, ये कहें क्या कनिष्क?
जी बिल्कुल, यदि एक नजरिए से आप देखें तो पुलिस कहीं ना कहीं रक्षक की भूमिका होनी चाहिए, किंतु यहाँ पे भक्षक बनती दिखाई दे रही है। खुलेआम एक ड्राइवर को भरे बाजार में बिल्कुल बेदर्दी से पीटा गया, तो ये कहीं ना कहीं आम जनमानस में भी पुलिस की छवि को धूमिल करता है और कहीं ना कहीं गुंडा प्रवृत्ति को ही दर्शाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कनिष्क, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी के साथ। और